जो चीज बाहर होती है उसे पाने के लिए बाहर की यात्रा करनी पड़ती है। अगर तुम्हें दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली जाने के लिए तो तुम्हें यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हारे भीतर दिल्ली नहीं है, दिल्ली बाहर है। लेकिन जो चीज़ भीतर ही है उसको पाने के लिए जो चलेगा, यात्रा करेगा, वो भटक जाएगा। अगर तुम्हें अपने पास ही पहुंचना है तो तुम्हें सारा चलना छोड़ देना पड़ेगा। लोग भूल जाते हैं कि धर्म की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा अंतर यात्रा है। अध्यात्म की यात्रा अंतर यात्रा है, बहिर यात्रा नहीं है। उसको भीतर ही कहीं खोजना पड़ेगा। उसके लिए आत्मा तक पहुंचने के लिए, स्वयं तक पहुंचाने वाला रास्ता ऐसा रास्ता है जिस पर चलना नहीं होता है, जिस पर रुकना पड़ता है। जो रुका, जो ठहरा, वो पहुंच गया। और जो भागता रहा, दौड़ता रहा, इधर उधर यहाँ वहाँ, वो गया। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो जितना जोर से चलेगा, जितना जोर से दौड़ेगा, जितना जोर की यात्रा करेगा, उतना ही ज़्यादा अपने से दूर चला जाएगा, भटक जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, पहुँचेगा कहीं नहीं। अतः सारी खोज छोड़कर, सारी दौड़ छोड़कर ठहर जाने वाला ही जान पाता है कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, उसका स्वाद कैसा है। ठहर जाने की कला ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल का सार समझाने की चेष्टा करूँगा। बिना पढ़े उनका सार तुम्हारे प्राणों में कैसे आत्मसात हो जाए, इसी की चेष्टा करूंगा। कैसे हम रुक जाएं, कैसे हम ठहर जाएं, इसका उपाय क्या है, मार्ग क्या है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि हजारों साल से तीन रास्तों की बात की जाती रही है दुनिया में, और इन तीन रास्तों में दुनिया के सभी रास्ते समाहित हो जाते हैं। गीता, कुरान, बाइबल, जन्दावस्था, जितने धर्म ग्रंथ हैं उन सब की बातें तीन रास्तों में, तीन मार्गों में समाहित हो जाती हैं। कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग। कोई कहता है हम तो कर्म मार्गी हैं, कोई कहता है हम ज्ञान मार्गी हैं, कोई कहता है हम भक्ति मार्गी हैं।